आज यहाँ पर गोला प्रखंड में अनुसूचित जनजाति प्रखंड स्तरीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि रामगढ़ के लोकप्रिय विधायक झारखंड सरकार के मंत्री आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी, आदि अनुसूचित जाति के केंद्रीय संयोजक महोदय, यहाँ पर रामगढ़ नगर परिषद के उपाध्यक्ष मनोज कुमार महतो जी, गोला के प्रमुख बड़े भाई जलेश्वर महतो जी, मांडू के प्रमुख चंद्रमणि देवी जी, गोला पूर्वी के पार्षद बड़े भाई कपिल देव मुंडा जी, यहाँ पर गोला के प्रखंड अध्यक्ष कुलदीप साहू जी, दिनेश कुमार महतो जी, नित्यानंद जी, अशोक महतो जी, चंद्र महतो जी, छात्र के अनुसूचित जनजाति के जिला अध्यक्ष उत्तम पासवान जी, प्रखंड अध्यक्ष बालेश्वर जी, और गोला प्रखंड से तमाम 21 पंचायत से सभी हमारे अनुसूचित जनजाति के सभी माता बहन, पिता तो अभिभावक, नौजवान साथी, प्रेस मीडिया के साथीगण, बहुत खुशी की बात है। खास करके अनुसूचित जनजाति के प्रखंड स्तरीय सम्मेलन में आप लोगों ने गोला के डाक बंगला में जो यहाँ पर आप लोगों का जनसलाम जो यहाँ पर उम्र पड़ा है, इसके लिए हम सबसे पहले अनुसूचित जनजाति गोला प्रखंड को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आपके माध्यम से आज आपके खास करके अगुवा नेता रामगढ़ विधानसभा के गरीबों को मसीहा, रामगढ़ जिला के नायक माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी के माध्यम से आज देखेंगे कि सभी जाति को एक साथ में जोड़ने का काम हमारे माननीय मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी के माध्यम से किया जा रहा है। सभी वर्गों को एक साथ में किया जा रहा है विधानसभा में। अनुसूचित जाति को जो स्थान देने का काम किए हैं, मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। अभी हमारे बड़े भाई कपिल देव मुंडा जी बता रहे थे कि आज हम लोग गांव में रहने वाले को मंत्री जी के माध्यम से जब से चंद्र प्रकाश चौधरी यहाँ पर आज उपाधि का बैनर लेके घूमने का काम किए, आप लोग देखें संतो मुंडा कांड हो या और जगह पर होला गोला में होला दृष्टि जो यहाँ पर हुआ था उसका भी सभी जगह पर आज ताजा उदाहरण है कि मंत्री जी के माध्यम से जो भी वादा किया जाता है मंत्री जी के माध्यम से वादा को पूरा किया गया। आप लोग देखे होंगे रामगढ़ जिला बना के है कि जनता को जो सुविधा देने का काम किया है, इसके लिए हम तमाम ग्रामीण जनता पूरे विधानसभा की जनता को यह कहना चाहते हैं कि तीन बार लगातार माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी को यहाँ पर आपका एक एक वोट में जो शक्ति देने का काम किया है, उस शक्ति को हम लोग को बरकरार रखना है। आप सही कहना है कि मिशन 2019 फिर से चुनाव होने वाला है, उसमें हम लोग चंद्र प्रकाश चौधरी को झारखंड में जिस तरह से हमारे अनुसूचित जनजाति के जो संयोजक महोदय बताए कि 12 मंत्री खास के मंत्री जी आज रामगढ़ विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाने के जो काम किए हैं, 81 में आज पूरे जगह पर चर्चा का विषय है कि चंद्र प्रकाश चौधरी आज पूरे जनता को हर सुख दुख में जनता का जो सुविधा देने का काम कर रहे हैं। मैं तमाम ग्रामीण जनता से कहना चाहते हैं कि आपका यह संदेश पूरा विधानसभा, पूरा जिला में, पूरा झारखंड में हम लोग ले जाने का काम करेंगे कि गोला प्रखंड में हमारे अनुसूचित जनजाति के जो सम्मेलन हुआ था, इसके माध्यम से हम लोग पार्टी सुदेश माथो तक इस बात को ले जाने का काम करेंगे। आप लोग के माध्यम से गोला में आप लोग देखेंगे कि मार्केट जो यहाँ पर पहले लग रहा था दिल्ली मार्केट, मंत्री जी के माध्यम से यहाँ पर 5 करोड़ की लागत से सुंदरीकरण हुआ, तो बड़े बड़े नेता को आज यहाँ पर पच नहीं रहा कि मंत्री जी यहाँ पर इसको भी मार्केट को चमका देंगे तो हम लोग वोट भी कैसे मांगेंगे। तो उसे देखे कि उसे नेताओं का आपको जवाब देना होगा कि विकास हो आए तो रोकने के लिए जाता है कि विकास नहीं होना चाहिए, उसे दलालों से आपको सावधान रहना होगा। और खास करके आप लोग गोला से एक मांग पत्र गया था कि यहाँ पर मार्केट बन रहा है,
अच्छा यहाँ पर एक बस स्टेशन का भी हम लोग निर्माण माननीय मंत्री जय प्रकाश जी के माध्यम से आया कि यहाँ पर एक बस स्टेशन होना चाहिए, उसका भी हम लोग जिला परिषद उस बात को हम लोग रखने का काम किए हैं। जहाँ पर यहाँ पर सम्मेलन हो रहा है गोला के जनता के लिए, खास करके हमारे अनुसूचित जनजाति के लिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा विवाह हॉल बनाने का मंत्री जी के माध्यम से BMFP फंड से मंत्री जी का यहाँ पर अनुशंसा और यहाँ पर आया उसका भी बना के यहाँ के गोला को जनता को हम लोग सुविधा देने का काम करेंगे। वह भी करोड़ों रुपए की लागत से विवाह भवन यहाँ पर बनने का काम करेंगे। कुछ ही दिन के बाद हम लोग 27 तारीख को यहाँ पर मार्केट जो जिला परिषद के माध्यम से हम लोग यहाँ पर 97 लाख का यहाँ पर मार्केट का यहाँ पर भी खास करके दुकान का हम लोग अभी बनाने का जो फैसला लिए हैं। और मंत्री जी का हम लोग जो भी काम यहाँ पर चाहे पंचायत का हो, प्रखंड का हो, सभी जगह पर जैसे भी आता है आप सही करना चाहते हैं। बहुत खुशी की बात है कि सब नेता के पास में जाइए उसका मोबाइल स्विच ऑफ रहता है, समय पर खुलता है। लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी 24 घंटे उनका मोबाइल खुला रहता है। और चंद्र प्रकाश चौधरी आज पूरे विधानसभा में आपको भी हम कहना चाहते हैं कि आप भी चंद्र प्रकाश चौधरी बन के अपना गांव अपना टोला में काम कीजिए। चंद्र प्रकाश चौधरी के माध्यम से जोट देने का काम करते हैं। हम लोग को भी आज मंत्री जी नहीं रहते हैं उनका चंद्र प्रकाश चौधरी बन के अपना प्रखंड और पंचायत और जिला में काम करने का मौका मिलता है। इससे आज सुपातिया जो मान सम्मान देने का काम हमारे माननीय मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी जो किया है वो नेता नहीं किया है। इस चलते आपसे कहने के लिए है कि आप लोग इसी तरह एकजुटता बना रहे हैं। आने वाले चुनाव में हम लोग देखेंगे कि सिलाई सेंटर बहुत जगह पर महिला को आत्मनिर्भर बनाने का काम माननीय मंत्री जी के द्वारा हो रहा है। तो विरोधी नेता लोग फोटो में देता है कि आखिर मंत्री जी कहाँ से ला रहे हैं, आपको आत्मनिर्भर बनने नहीं देने का सोचता है कि जैसे कांग्रेस साफ 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 का वोट लेकर चले जाता है, उसे ही खाली आप वोट दीजिए, आप कुछ नहीं चाहिए। तो उससे नेताओं से आपको सावधान रहना होगा। आपको विश्वास दिलाते हैं कि गोला प्रखंड और रामगढ़ विधानसभा में सभी पंचायत और सभी जगह पर सिलाई सेंटर माननीय मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी के माध्यम से खोलने का योजना है, उसका भी सभी हमारे वातावरण उसमें भी बहुत तरह का सुविधा दिया जाता है। इस चलते उसमें हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। कई बातों की मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ और अनुसूचित जनजाति को विश्वास दिलाता हूँ कि जिला के हमारे उत्तम पासवान जी है, जहाँ पर भी इस तरह का आप लोग कार्यक्रम कीजिए, हम लोग वासुपाद के मूल अंग जो है आपके साथ में हर समय 24 घंटा आपके साथ में रहकर आपको साथ देने का काम करेंगे। और मंत्री जी भी आपके साथ में तन मन धन से आपको सहयोग करने का काम करेंगे। कई बातों की मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। चंद्र प्रकाश चौधरी जिंदाबाद, केला साहब जिंदाबाद।